तो ये एनालिसिस होने वाले हैं जो डैडीज़ हैं उनके सामने होंगे, चिया और सो। ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा बार डैडीज़ और ये सारी चीज़ें बोलता हूँ, बट स्टिल ऐसा ना सत्यवान बोल देते हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर लोग हैं जिनको भाई बुरा भी लग गया, बट स्टिल उनका नाम ही है, उसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स हैं। बट मैं तो बोलूँगा यार जो भी चीज़ है। तो वही शुरुआत करते हैं कि जैसे प्लेयर्स जैसे चिया और सो है, जो उनको मैं पिछले 2-3 साल से उनके डबल्स मैचेस भी देख रहा हूँ, उनकी गेम प्ले के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा नोटिस होती है, वो है कि कोऑर्डिनेशन कभी कभी है ना आगे पीछे हो जाता है। कोऑर्डिनेशन से मेरा ये मतलब है कि अगर आपने मेरा पिछला वाला जो एहसान और सत्यवान वाला वीडियो उसके अंदर आपने देखा हो, तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ के बारे में आपको बताया था कि आपका अपोनेंट मतलब आपका जो पार्टनर है, आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है, कि अगर आप आगे जा रहे हो तो पीछे वाला कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे पॉइंट्स ले रहा है, और अगर आपका पीछे वाला जो पार्टनर है वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है कैसे, वही चीज़ें ट्रस्ट की बात नहीं है, बट चीज़ है कि कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहा है, गेम प्ले कैसे चेंजेस होते हैं, वही चीज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। एक जो छोटी चीज़ मुझे चाहिए और शो के बीच में लगती है वो ये कि कभी कभी कुछ रिलीज में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अगर 21 पॉइंट की मैं एक सेट है उसके अंदर से एक या दो सेट एक बार दो बार मैंने नोटिस ये चीज़ की है कि कभी कभार चिया और सो है ना उनके बीच में ऐसा होता है कि भाई कौन मार रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत वो बोलता है ना मिसकम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत मैंने देख रखा है उसके अंदर। ये चीज़ एक भाई डाउन साइड हो सकती है कि लास्ट एक दो मंथ्स में मैंने उनके मैचेस देखे हैं ना, उसके अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि वो इनकंसिस्टेंट कैसे हैं, पता है कि कुछ है जिसके अंदर वो सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचा था, और एक दो तो टूर्नामेंट भी शायद उन्होंने जीती है, बट कुछ ऐसी टूर्नामेंट्स में जिसके अंदर वो स्टार्टिंग के फेज होते हैं उसके अंदर क्वार्टर्स में जाके ही हार जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी का कैसे बनती है, आपको वो गेम प्ले को जब ब्रेक डाउन करना चाहिए, मतलब मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ ये चीज़ें। ऑफकोर्स ये दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं, मलेशिया से एक अच्छी जो बेस्ट डबल्स की प्लेयर्स है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है कि और एक और चीज़ है जो एंटरटेनमेंट फैक्टर लाते हैं ये लोग भाई, वो तो अलग ही है, बट सिर्फ ये चीज़ के बारे में डिस्कशन था। सेकंड चीज़ जो मुझे थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, मतलब वो चीज़ है कि एरर्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। देखो ये चीज़ मैं अगर आपको फिर से बताऊँ, देखो यहाँ पे ये रैली गई, देखो ये रैली फिर से आ गई, मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊँ वो चीज़ मैं बताना क्या चाहूँ। तो देखो लिफ्ट परफेक्ट, जहाँ पे इन्होंने लिफ्ट की ये परफेक्ट जगह है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे लिफ्ट किया, ठीक है उन्होंने। अब देखो उन्होंने जैसे एहसान ने जंप मार के स्मैश मारी, परफेक्ट, वो पहुंच सकते थे, उन्होंने जंप मार दी। तो सत्यवान का जो पहला स्टेप, देखो पहला स्टेप, उनको पता है कि अगर एहसान पीछे जाके मार रहा है तो भाई उनको आगे आ जाना है, ठीक है। इनके स्टेपिंग देखो कितने, ये भी परफेक्ट है, एकदम डबल्स के परफेक्ट है, ठीक है। ये देखो दोनों साइडवेज मूव कर रहे हैं क्योंकि डिफेंस दोनों में से किसी को भी करना पड़ सकता है, परफेक्ट ही है। अब गलती कहाँ पे होगी, पॉइंट ज़रूर ले गए, देखो लिफ्ट किया उन्होंने, परफेक्ट, नेट टू नेट गया। अगर लिफ्ट हाई होगी तो एहसान फिर से स्मैश मारेंगे, बट देखो यहाँ से सत्यवान को पता है कि भाई फ्रंट कोर्ट उनका है, तो उन्होंने जाके लिफ्ट कर दी। अब यहाँ से उन्होंने बीच में से ट्राई किया स्मैश मारने का, परफेक्ट था। चिया देखो यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे उन्होंने स्मैश मारी, यहाँ पे वो मार कहाँ सकते थे, ये पूरा खाली था। ये चीज़ मैंने 2-3 बार नोटिस की है, एक और बार अगर आप रैली देखो तो आपको ये चीज़ मैंने बोली वो नोटिस हो जाएगी। डिफेंस स्मैश, देखो देखो कहाँ मारा उन्होंने, ऑफकोर्स वो रिटर्न नहीं कर पाए, वो अलग बात है, एहसान रिटर्न नहीं कर पाए पीछे से, बट गलती क्या हो गई उन्होंने, अगर गलती से भी एहसान ने रिटर्न कर दिया होता तो वो राइट वाला पार्ट तो पूरा खाली था, जहाँ पे स्मैश मार के चिया तो कोर्ट के बाहर जा रहे थे, मतलब अगर आप स्मैश मार रहे हो तो आपको पता है कि आपकी बॉडी पीछे जाती है, जो सो होते हैं वो उतना दूर नहीं जा पाते, समझ रहे हो कि भाई वही चीज़ है कि एक दो बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हो जाती है कि भाई वो बोलते हैं ना कि गेम को बहुत ज़्यादा फास्ट करने का जब आपका प्लान होता है ना, तो कहीं पे आपको भाई रुकना भी पड़ता है, रुकना इन द सेंस कि कहीं पे जैसे कोई बहुत ही फास्ट पर्सन होता है ना, फास्ट पेस गेम प्ले खेल रहा है तो वो थक भी जल्दी जाएगा, बट डबल्स में थकान की बारी नहीं आती है, यहाँ पे गलती की बारी आती है कि आपको अपोनेंट जो है ना, मतलब जैसे आपका अपोनेंट है वो बहुत ही फास्ट पेस दोनों खेल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो गिडियन और सुकोमोलियो, उनकी फास्ट पेस गेम प्ले है, वो लोग स्लो बहुत ही कम बार मैंने देखा है, बट अगर आपकी उनकी जो बोलते हैं ना मिसकम्युनिकेशन को पकड़ लोगे कि यहाँ पे मैं मार रहा हूँ, लोग दोनों कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप जीत सकते हो। यही चीज़ थोड़ी बहुत चाहिए और सो के सामने, मतलब मैंने पुरानी मैचेस इनकी देखी है उसके अंदर होती है,
इस पर्टिकुलर मैच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर मैच के बारे में ऑफकोर्स डिस्कशन में उनके बेसिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक करके आगे जितने भी एनालिसिस के वीडियोस आएंगे उसके अंदर मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा कैसे ये सारी चीज़ें होती है। ऑफकोर्स 21-11 से लोग हार गए बट वही चीज़ें वो लोग आगे ये सेट्स जीतने वाले ऑफकोर्स बैठे। ये चीज़ पर मैं आपको बताना चाहता था कि ये गलतियाँ हो सकती है अगर आपका अपोनेंट, पर चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आप और आपका पार्टनर दो बंदे आप जैसे खेल रहे हो बट आपको आपको आपके पार्टनर की गलतियाँ पता है कि क्या कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है, आपका पार्टनर आपको बता रहा है, ठीक है, आपको बता रहा है कि आपकी खुद की गलतियाँ कहाँ हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को बता सकते हो, वैसे ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि यार तेरे स्मैशेस लग जरूर रहे हैं बट गलत जगह पर लग रहे हैं, मतलब साइड में लग रहे हैं या फिर आपके अपोनेंट के हाथ में ही जा रहे हैं स्मैशेस, तो वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकता है कि साइड में मारे या फिर कहीं पे और मारे, या आपकी गलती हो आप नेट पे जा रहे हो तो भाई आप ड्रिबल कर रहे हो तो नेट पे बहुत ही ऊपर ड्रिबल हो रहा है कि आपका अपोनेंट टैप मार के फिनिश कर रहा है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो आप तो कभी रियलाइज़ नहीं करते हो, आपको रियलाइज़ हो आपके पार्टनर को तो बताना चाहिए और ये चीज़ें जब कभी भी कोर्ट में नहीं दिखनी चाहिए। जितना भी डिस्कशन हो जो हाफ टाइम ब्रेक हो रहा है तब जाके डिस्कशन होता है, और डिस्कशन मैं क्लियरली ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग डबल्स में जो मैंने देखा है कि भाई इवन नेशनल लेवल पे जब मैं देखने गया था तब भी ये चीज़ होती है कि जीत रहे हैं जब तक मैं डबल्स में, तो मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है कि जब तक वो जो जीत रहे हैं तब तक बहुत भाई परफेक्ट हो गया सकते, बट जब एक दो मैचेस हारने शुरू हो जाते हैं या फिर लैग कर रहे हैं गेम के अंदर, अपोनेंट भाई 11-2 से पीछे आपको कर चुका है, वो आप बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, एक दो सेट्स आप हार चुके हो, तब चीज़ क्या होती है, ब्लेम गेम शुरू होती है कि भाई तेरे स्मैशेज नहीं लग रहे थे, तेरे ड्रॉप्स नहीं लग रहे थे, तो हाथ नहीं लग रहा, वो चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। आप जब इंटरनेशनल लेवल, अगर आप देख रहे हो ये वीडियोस और इंटरनेशनल लेवल पे जाने का आपका कोई भी मन है थोड़ा भी बहुत, ये चीज़ आपके मन में से निकाल दो, गलतियाँ आपकी भी होती है आपके पार्टनर की भी होगी, आप कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हो आप एक दूसरे को समझाते हो, ऑफकोर्स मिसकम्युनिकेशन होते हैं बट अगर आपके कम्युनिकेशन आप दोनों का बन ही नहीं रहा है तो भाई आपके ऑफकोर्स आपका कोच बोले या फिर दुनिया का कोई भी पर्सन बोले आपकी गेम प्ले नहीं चलने वाली है, मतलब आपकी टीम नहीं चलने वाली है, तो ये चीज़ पर मैं बता रहा था। एक चीज़ जो मैं आपको डबल्स के बारे में एक और बताना चाहता हूँ, ऑफकोर्स पर्टिकुलर जो मैं चिया और शो के बारे में भी और जो गिडियन और सॉरी के बारे में बात करेंगे, अभी जो डैडीज ऐसा उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो गेम प्ले जितना अच्छा गया ऐसा गेम प्ले चिया और सो ने दिखाया, ऑफकोर्स देख रहे हो 21-11 से पहला सेट हार चुके हैं एसएन सत्यवान लोग, ठीक है, बट स्टिल जो सेकेंड सेट है उसके अंदर अगर आप ये पूरा वीडियो आप फिर से रिवाइंड करना फिर से देखना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो गेम प्ले है ना एसएन सत्यवान का वो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। आपके ऑफकोर्स जब आप ब्रेक होता है तो आपके कोचेज और सब आके आपको बताते हैं कि भाई ये गलतियाँ हो रही है, आज आपसे ये हो रहा है, आपके कोचेज आपको बताते हैं कि ये स्ट्रेटजी करो और सब कुछ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्ट्रेटजी होती है वो सेम ही होती है, आपका जो नेचुरल गेम प्ले होता है वो ही होता है। जब आपको भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे इनको डैडीज इसीलिए बोला जाता है कि भाई लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके साथ है, उनको पता है कि भाई कहाँ से अगर आप ये लैग भी कर रहे हैं ना 15-5, 15-6 से लैग कर रहे हैं तो भी ये लोग 21-15, 21-16 से जीतने के चाहे मतलब बोल सकते हैं कि कैलिबर इनका रखते हैं। वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो जो अगर आप रिवाइंड करके पूरा देखोगे तो फर्स्ट सेट में जो उनका गेम प्ले था वो ही वहाँ से हारे जरूर 11 पॉइंट से, बट नेक्स्ट जो सेट है उसके अंदर जहाँ पे उनकी मिस्टेक्स थी उसको थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। मैंने पूरा सेट देख रखा है तो मैं आपको उसके बारे में छोटी सी एक्सपीरियंसेस मतलब जो मैंने देखा उसके बारे में बता दूँगा कि ऐसा नो सत्यवान फर्स्ट सेट जिसमें 11 से हारे उसमें उस लेवल पे वो अटैक नहीं कर पा रहे थे, अगर आप फिर से जाके पीछे देखोगे वो अटैक करने का ट्राई जरूर कर रहे थे बट पॉइंट्स नहीं आ पा रहे थे। आपने 2-3 शॉट्स भी देखेंगे जहाँ पे चिया और सो है वो भाई ऊपर से स्मैशेस, और भाई ऊपर से बोलने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यू स्मैशेस जिनके पास ज़्यादा आती है, तो वही चीज़ पे है कि भाई जब कोई बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा हो और तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफेंस में भी नहीं घुस जाना है, आपको भी आपकी गेम प्ले पे ही रहना है कि आपका डिफेंस बहुत ही अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी गेम प्ले में डिफेंस ही करते रहो। सेम चीज़ ऐसा ना हो सत्यवान सेकेंड सेट वो लोग जीते 21-14 से, वो आप अगर आप पीछे जाके फिर से देखोगे उन्होंने अटैक थोड़ा बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है कि हर एक शॉट में किया दिखा है, आप अगर आप पीछे जाके देखोगे सारे जितने भी उनको मिल रहे थे उस पर वो शॉट्स नहीं मार रहे थे, वो देख रहे थे इस पर स्मैश में भी वो मार रहे हैं, उनको लग रहा है पहले वो मार रहा है मार रहे हैं, तो बेसिक गेम प्ले पर वो ज़्यादा स्टिक कर रहे हैं। यही चीज़ आपको एक बेटर प्लेयर बनाती है, यही चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए। चिया और सो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एक चीज़ देखो, ये रैली अगर आप दो रैली में आपको दिखा दूंगा उसके बाद मैं चेक क्लियरली आपको बता दूंगा वो चीज़ को, देखो ये पॉइंट ले गए ओके साइडवेज ओके
चिया और सो इन दोनों को जो अच्छी चीज़ एक और बनाती है वो है कि दोनों प्लेयर ऐसे हैं कि जो आगे और पीछे दोनों साइड पे खेल लेते हैं, और वो चीज़ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा, देखो ये रैली गलती कहाँ हुई यहाँ पे, देखो ये रैली मैं आपको फिर से ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ, आपको एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये रैली शायद यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली रैली नहीं, देखो ये वाली रैली लिफ्ट किया उन्होंने, देखो एहसान कहाँ मारेंगे, मोस्ट ऑफ चांसेस है राइट लेफ्ट साइड में मारेंगे, देखो हाँ देखो ओके यहाँ पे गलती फिर से देखो कहाँ पे हो रही है उनसे, देखो एहसान ने मारा ड्रॉप, ठीक है इन्होंने, इनको डिफेंस कहाँ करना चाहिए था, उनको पता है कि सत्यवान यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है यहाँ से मैंने भी बहुत सारा ये शॉट्स मारे हैं कि सामने वाला देखता है कि भाई यहाँ से लिफ्ट करने का ट्राई कर रहा है और मैं आगे आके ही फिनिश कर देता हूँ, ऐसी चीज़ें मैंने भी बहुत बार ये चीज़ें की हैं। इनको रिटर्न कहाँ करना था, लिफ्ट करके ये कॉर्नर पे करना था क्योंकि एहसान के लिए वो लंबा शॉट होगा, ठीक है तो पर हुआ क्या, उनसे एकदम लेजी शॉट लगा यहाँ पे, सत्यवान ने लगाया देखो स्मैश, ठीक है स्मैश बोल सकते हो या फिर हाफ स्मैश बोल सकते हो, उन्होंने डिफेंस फिर भी कर दिया, ये डिफेंस बहुत ही बढ़िया था, इवन बॉडी स्मैश तो भी उन्होंने डिफेंस कर दिया, डिफेंस हुआ अब एहसान के पास, देखो इजी वो स्मैश उनको मिल रहा है, उन्होंने मार दिया, यहाँ पे इनसे गलती क्या हो गई, उन्होंने जो डिफेंस किया है देखो यहाँ से ये परफेक्ट डिफेंस की साइड पे खड़े हैं, ठीक है बट उनको ये नहीं पता था कि उनके ये जो पार्ट है ना जैसे एरो में जहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे आएगा, उनको डिफेंस यहाँ पे करना था, जैसे पैरेलल ऐसा होता है कि जब बॉडी पे आए तो आप थोड़ा साइड हटते हो और डिफेंस करते हो, वो चीज़ वो कर देंगे बट हुआ क्या, देखो हाथ में चला गया, सत्यवान के पास चांस था कि स्मैश मारे फिनिश करे टैप मारे मतलब जो भी है फिनिश करे, उन्होंने किया क्या, उनको पता है कि वो पहुँच नहीं पाएंगे, ऑफकोर्स वो यहाँ पे खड़े थे बैक लाइन पे, वो डिफेंस नहीं कर पाएंगे, तो देखो मिल गया पॉइंट, उन्होंने वो एनर्जी भी नहीं लगाई पॉइंट में मिल गया, यही चीज़ आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन बनाती है, आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं होता कि भाई आज ही आपने गेम में शुरुआत कर दी और आज ही ये सारी चीज़ें आपको आ गई, बट ये चीज़ मैं कुछ प्लेयर्स के अंदर देखता हूँ, जैसे अभी वुमेन सिंगल्स के अंदर मैं बात करूँ तो आंसी होंगे ऐसे प्लेयर है जिनके अंदर मैं गेम सेंस बहुत ही बढ़िया देखता हूँ, उनमें गेम सेंस बहुत ही बढ़िया है, जब उनको लगता है कि अपोनेंट बहुत ही एक अलग ही गेम के मोड में, उनका गेम चेंज नहीं होता है, वो अपने गेम पे विश्वास रखते हैं, बट कुछ मैं जो बोलता हूँ कि छोटे छोटे चेंजेस है वो ज़रूर करती है, आप कभी भी जो होता है ना कि भाई आज आपसे स्मैशेस नहीं लग रहे हैं कुछ भी करके, तो ऑफ़ कोर्स आपके पार्टनर को स्मैशेस लगाने ही पड़ेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरे कोर्ट में ऐसा ही बोल दो कि भाई तू ही मार, ये चीज़ है यही चीज़ें होती है कि आप डबल्स में आगे बढ़ सकते हो। चिया और सो ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद उस लेवल पर है कि दोनों प्लेयर्स हैं ना हमेशा देखोगे आपको कि एक पर्सन है वो फ्रंट को भी कवर कर लेगा और बैक को भी, मैं ऐसा मैं सत्यवान को उनके जैसे ही मराऊंगा, बट ऐसा मैं सत्यवान के पास है ना शॉर्ट वैरायटीज़ भी ज़्यादा है, शॉर्ट वैरायटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट एक दो वीडियोस आएंगे उसमें बात करेंगे, तो यही है अभी सत्यवान लोग तो जीत ही रहे हैं ये मैच, बट सिमिलरली ये चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता, और भी कुछ वीडियोज़ आएंगे जिसके अंदर हम फुटवर्क और कैसे राउंड में घूमते हैं डबल्स के अंदर कैसे करते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आएगा, तो ऑफकोर्स ये मैच देखो स्कोर पहले वो हारे थे फर्स्ट सेट बट एक्सपीरियंस बोलता है, देखो वो जीत चुके हैं और कुछ और वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए बाय।